ये कहते रहे कि आपदा पीड़ितों का सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार है। क्या काम में अब ये फंड हट गया? नहीं है, शिविर भी बंद हो गया। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आपदा के समय बिहार के खजाने पे सबसे पहला हक आपदा पीड़ितों का है, लेकिन सुल्तानगंज प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत सामग्री नहीं मिल पा रही है। बाढ़ पीड़ितों की माने तो सीओ शंभूशरण राय का कहना है कि बाढ़ पीड़ितों की राहत सामग्री बंद हो गई है। दरअसल पूरा मामला भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड का है, जहां सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के समीप NH-80 पर बाढ़ राहत सामग्री नहीं मिलने पर अबजूगंज पंचायत के शहाबाद वार्ड 12 हरिजन टोला के लोगों ने सड़क जाम कर घंटों हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों को बाढ़ सामग्री नहीं दिया जा रहा है, RTPS काउंटर में आवेदन जमा करने के बावजूद दौड़ाया जा रहा है। CO शंभूशरण राय से मिलने पर कहा कि बाढ़ पीड़ितों का राहत सामग्री बंद हो गया है। अपना फोन आया घर में आरु चिया चिया मचा रहा था, नहीं दे रहा है, नहीं कल अभी तक लिया, आज बोला या शाम को नहीं दिया साले। कितने लोग आप लोग? कितने लोग हैं? हाँ हम 50 आदमी हैं। 50 में घटना बीत गया, उसको लेकर हम आवेदन दिए। हाँ आवेदन कल ही दिए, परसों भी दिए, कल भी दिए। क्या काम? क्या काम में अब ये फंड हट गया? नहीं है, शिविर भी बंद हो गया। इसी मामले को लेकर बाढ़ पीड़ितों ने NH-80 पर जमकर घंटों हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंचकर CO शंभूशरण राय से राहत सामग्री दिलाने की बात कहकर सड़क जाम को तोड़वाया गया। इस दौरान सैकड़ों बाढ़ पीड़ित मौजूद थे।